शिव जी ने आम के एक पल्लव को, एक पत्ते को उठाया, हाथ में लिया। आम के पल्लव को देखकर मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू कहते हैं, ए आम के पल्लव, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, घर में कोई पुण्य कार्य होगा, तुम्हारा प्रवेश प्रत्येक घर में होगा, मैं तुम्हें वर देता हूं। जितनी कलश को सजाने के लिए पान की जरूरत नहीं पड़ती, उतनी आम के पत्ते की जरूरत पड़ती है। दरवाजे पर बंदरवाल में पान के पत्ते नहीं लगाए जाते जितने आम के पत्ते लगाए जाते। आम के पत्तों को वर दे दिया, आम के वृक्ष को वर दिया, तो पूज्य होगा। भले तेरे जड़ की पूजन नहीं होगी, भले तेरे वृक्ष की पूजन नहीं होगी, पर यह पक्का है कि तेरे पत्तों को पूजन में, अर्चना में, आराधना में, साधना में बल प्राप्त हो, बल साधना। एक एक बहुत अच्छी बात और अच्छे से ध्यान कर लीजिए, सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाएं, कैसे पत्ते, जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए, और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हों, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हों, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए, लिंग पुराण का। आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान को किसी भी भौम प्रदोष पर, भौम प्रदोष के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए, 3 दिन में दांत खाद खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी, उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़िए, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है, उस भस्म को अच्छा छान कर पीस कर उसका आनंद, उसकी राख। उसकी भी भस्म का महाराज, कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा, पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली, अब नया डाल रहा हूं, कर्जा कर डाल रहा हूं, पैसे लाकर डाल रहा हूं, चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो, दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो, और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर, और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरवाल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ, वो एक स्वस्तिक, स्वस्तिक का वर्णन पहली वाली कथा में करा कि स्वस्तिक सबसे पहले कहां बना था और कैसे बना था, वो गणेश जी का मस्तक कटा, उसका जो धड़ बचा था उससे स्वस्तिक का निर्माण, जी आपको पहले सुना चुके, जिनने नहीं सुना हो तो इससे पहले वाली कथा सुन लेना, उसमें बता दिया है, स्वस्तिक का निर्माण कर दो, फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा उसमें। आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देंगे, आम के पल्लव को भी शिव वर देंगे। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, शंकर की एक एक लीला हमारे दुख को नष्ट कर देती है, हमारे दुख को समाप्त कर देती है, हमारे दुख का शमन कर देती है,
शंकर की एक एक लीला। एक एक लीला शंकर की हमारे दुख का समाप्त करते, दुख को समाप्त। देखिए मेरे शंकर भगवान को, 33 कोटि देवताओं को उठाकर लाइए, स्मरण करिए, एक एक पुराण का स्मरण करिए, देवताओं ने कौन कौन से वृक्ष का उद्धार किया उसका स्मरण करिए, और मेरे शंकर भगवान ने जिन जिन वृक्षों का उद्धार किया, ब्रह्मा जी के सिर को बड़का पेड़ बना दिया बट वृक्ष, पिपलाद को वर दिया तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया, वहां पर भी शिव जी ने पिपलाद पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करा दिया, आम के पेड़ को मेरे शंकर भगवान वर प्रदान कर दिए, तुलसी वृंदा के पति को जब मारा जलंधर को तो तुलसी का प्यारा उत्पन्न करा, उसको वर प्रदान कर दिया। देखिए शिव के द्वारा निर्मित उन वृक्षों का निर्माण, उन वृक्षों का उन्नति, बेलपत्री के वृक्ष को वर प्रदान करा, रुद्राक्ष के वृक्ष को वर प्रदान करा, शमी के वृक्ष को वर प्रदान करा। मेरे शंकर भगवान अगर कैलाश पर रहते हैं तो प्रकृति की रक्षा करने वाले भी शिव होते हैं। वृक्षों का निर्माण कराकर, वृक्षों को निर्मित कर, उन वृक्षों की छाओं में पूजन अनुष्ठान कराकर मेरे शंकर ने यह प्रकट कर दिया कि वृक्ष भी पूजन के लायक हैं, पूज्य हैं हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि मेरे शंकर उसकी पूजन करा रहे हैं प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति को नष्ट करने के।